सबसे पहले अतीक एंड सन्स को लेकर बड़ी खबर। जहां अतीक के बेटे असद का बचाव प्लान का खुलासा हुआ है और उमेश पाल की हत्या के बाद बचने के लिए असद ने बड़ा प्लान तैयार किया था जो धरा का धरा रह गया। असद का मोबाइल फोन बरामद हो गया है और असद ने हत्या के बाद मोबाइल अपने लखनऊ वाले दोस्त अतीन जफर को छुपाने के लिए सौंप दिया था। 24 फरवरी को अपना लोकेशन लखनऊ दिखाने के लिए भी असद ने साजिश रची, प्लानिंग की। एटीएम कार्ड का इस्तेमाल भी जफर ही कर रहा था, यानी लोकेशन कहीं और दर्शाने के लिए और एटीएम कार्ड से पैसे निकाले गए ये दिखाने के लिए पूरी तैयारी, लेकिन वो प्लानिंग नाकामयाब रही। पुलिस जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं और एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। लखनऊ में दोस्त को दिया था मोबाइल, एटीएम कार्ड भी। अब उमेश हत्याकांड साजिश का जो खुलासा हुआ है, असद का मोबाइल फोन, जरा इसका कनेक्शन समझिए। असद अतीक का बेटा है, उमेश पाल मर्डर का आरोपी है, एनकाउंटर हो चुका है और असद खुद फायरिंग कर रहा था। अब छुपाने के लिए दिया था ये मोबाइल अपने दोस्त को अतीन जफर, ये असद का दोस्त है और पुलिस ने बरामद कर लिया है ये मोबाइल फोन। अब इसमें क्या कुछ है, हर एक राज जो मोबाइल फोन में है उसको खंगाल रही है पुलिस। तो प्रयागराज में होकर लखनऊ में दिखाने की साजिश थी अपना लोकेशन, और साथ ही एटीएम कार्ड भी दिया गया था अतीन, असद का दोस्त। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आप सभी को लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे साथ समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समर्थ, किस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं, पुलिस ने क्या कुछ कहा है और क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है इस पूरे प्रकरण में? आशुतोष, देखिए अतीन जफर जो है वो असद अहमद का वो दोस्त है जिसके साथ असद लखनऊ में रहता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उससे जब पूछताछ पुलिस ने करी है तो ये चीज सामने निकली है कि उसने ही एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया था, जिससे कहीं ना कहीं जब पुलिस की पूछताछ हो या आगे जब कोर्ट में मामला जाए तो ये साबित किया जा सके कि असद अहमद तो प्रयागराज में था ही नहीं, वो तो लखनऊ में था। ये पूरी तरीके से भटकाने की साजिश थी। इतना ही नहीं, असद ने प्रयागराज जाने से पहले अपने दोस्त जतिन से ये भी कहा था कि तुम मेरा मोबाइल अपने पास ही रखना, और उस मोबाइल से जो राज पुलिस की टीम लगातार खोल रही है उससे चीजें सामने आ रही हैं कि असद ने किस तरह से पूरी प्लानिंग बड़े लेवल पर की थी, जिससे नंबर एक, पहले तो वो उमेश पाल को की हत्या को अंजाम प्रयागराज जाकर दे सके, नंबर दो, जब पुलिस उसको ढूंढने आए तो वो लोकेशन के जरिए पुलिस को भटका सके या यूं कहें कि कोर्ट में पुलिस को गलत साबित कर सके, क्योंकि एटीएम कार्ड जिसका इस्तेमाल किया गया है वो भी उसके दोस्त, उसी दोस्त ने किया है जिसको, जिससे पुलिस ने पूछताछ करी है और उसने ये बात पुलिस पूछताछ में कबूली है। अब एटीएम का यूज करने से ये हुआ कि लोकेशन ट्रेस हुई लखनऊ की ट्रेस हुई लोकेशन उस वक्त पर जिस वक्त प्रयागराज में असद और अन्य शूटर्स के द्वारा उमेश पाल को हत्याकांड में अंजाम दिया जा रहा था। तो सवाल ये, शूटर्स की प्लानिंग ये थी, अतीक एंड गैंग की प्लानिंग ये थी कि हम इससे ये साबित कर देंगे कि असद की लोकेशन तो लखनऊ है, जबकि असद का एटीएम हो या मोबाइल फोन हो, दोनों ही उसके दोस्त के पास थे और असद पूरी प्लानिंग के साथ अपनी मोबाइल और एटीएम कार्ड वहां छोड़ गया था कि जिससे बाद में जब बात बढ़े पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस एक्शन मोड में आए और लोकेशन के लिए सबसे पहले मोबाइल और उसके बाद एटीएम की तरफ जाए तो लोकेशन उसको लखनऊ की मिले, जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, यानी कि प्रयागराज वहां की नहीं, और कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर वो साबित भी हुआ, पर लेकिन बाद में पुलिस ने जब धरपकड़ तेज की तो हर चीज का खुलासा परत बर परत होता रहा। बिल्कुल, तो ये तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इसी केस से ये जुड़ी हुई कड़ियां हैं। असद ने किस तरह से प्लान बनाया था लेकिन वो धरा का धरा रह गया, काले चिट्ठों की डायरी, समर्थन वाला पोस्टर भी सामने आया, शायस्ता की गिरफ्तारी कब होगी सवाल बड़ा है, बमबाज गुड्डू का हिंदू रूप भी सामने आया जिस तरह से वो नाम बदलकर छुपने की कोशिश कर रहा है, अतीक की कार और असद की धौंस, ये सब कुछ दुनिया अब देख चुकी है।